अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे ऑफिस के रास्ते में एक कॉफी शॉप है, वहाँ पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ तो हम चाय पी लेंगे। ठीक है ठीक है, आइए। अरे उम्मीद, तुम कब आई हो? मिमी बेटा घर पे थी, आपने बताया ही नहीं, आप सुबह मुझे मिली भी नहीं। मैंने आपको मना किया ना, घर पे छुपके नहीं बैठते। चलो अपनी दोस्त को लेके जाओ, जल्दी से जाके उनसे बातें करो। आइए उम्मीद। मतलब कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है। एक तो माइयों के इवेंट में आके उन्होंने माइयों खराब की, ऊपर से पाशा साहब को अलग वर्ग लाया मेरे खिलाफ, और अब तुम्हें भी बात करने से मना किया है। उम्मीद, तुम भाई की बातों को सीरियस नहीं लिया करो ना। यही तो मसला है कि वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी, वरना उनको ना उनकी नौनी चची दादी सब याद करवा देती। और बता देना अपने भाई को कि सिर्फ अच्छी शक्ल सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छी सीरत मैटर करती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा साथ और अच्छी चाय किसको नहीं चाहिए। मिमी एक कप मेरे लिए भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। उम्मीद लगता है मैं आपके होशोवास पे मुकम्मल तौर पर छा चुका हूँ, क्योंकि सुबह से ये जो हिचकियां हैं इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है, ये रातों रात मेरे सर पर सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी। देखिए ख्वाबों और ख्यालों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना, आपका भी मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं है, बिगड़ गया। मूड बिगड़ा है, इसकी वजह भी हमें पता है। पाशा साहब की डांट सुनने की वजह से आपका मूड खराब हो गया होगा, है ना? ओह, तो उस मीसने ने आपको भी सारी रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ पड़ी है डांट, हो जाए खुश, मगर उस चंगेज खान को ना बता दिएगा कि वो जो सबके सामने रात को मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं देख लूंगा उसे। अरे उम्मीद, मैं तो खुद उस चंगेज खान की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, आपके साथ क्या किया उस चमगादड़ ने? अरे टाइमिंग्स के पीछे पड़ा रहता है, कहते हैं डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम से उठो, टाइम से काम पे जाओ, टाइम से खाना खाओ। अरे भाई बाबा, तुम्हारी जिंदगी अगर इतनी अजाब है तो हमारी जिंदगी को क्यों अजाब बनाया हुआ है? खुद को पता नहीं मिस्टर परफेक्ट समझता है। हाँ वही तो, दिमाग उसका ना सातवें आसमान पर रहता है, मगर मैंने भी ठान ली कि उसको जमीन पर लैंड करवा कर ही रहूंगी। डन, इस चीज में तो मैं तुम्हारे साथ। वैसे आपका गेम शो कब आएगा? क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग आपके फैन चल रहे हैं, सिवाय पाशा साहब। Really? तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं पाशा साहब को अपना फैन बना के रहूंगा। पानी पी लेना जाके। हाँ मिमी, पानी ले आओ।